आज दिल्ली में सच्चा जन लोकपाल लाने के संघर्ष में बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज सच पे जो आखिरी पर्दा लगा हुआ था, आज वो आखिरी पर्दा भी गिर गया है। वो एक शेर है, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। पिछले 5 दिन से, शनिवार से लेके आज तक 6 दिन हो गए, रोज लोकपाल के मुद्दे पे जो झूठ के पर्दे डाले गए थे उनमें से एक पर्दा रोज उठता जा रहा है, और जो आखिरी पर्दा डाला गया था वो आज उठ गया। तो सच आज अपने नंगे स्वरूप में आ गया। पहला पर्दा क्या था? पहला पर्दा था कि साहब जिस रामलीला मैदान वाले जन लोकपाल की बात थी, आखिर दिल्ली सरकार ने वो ले ही लिया। अखबार में खबर छपी, कैबिनेट ने पास कर दिया, मुख्यमंत्री की आंखों में आंसू आ गए। वाह, कितनी सुंदर कविता लगती है देख के। फिर पूछना हमने शुरू किया, जी वो आंसू वाला बिल हमें भी दिखा दो, हमारी भी आंख में आंसू आ जाए। गए तो हम भी थे वहां पे। यहां मेरे साथ मेवात के कई किसान भाई बैठे हुए हैं, आपको याद होगा रामलीला मैदान पे वो दिन रमजान के दिन चल रहे थे, और ये वो लोग थे जो कि वहां आए थे, और तब रोजा इफ्तार हुआ था वहां रामलीला मैदान पे। ये वो साथी हैं। तो हम सब जानना चाहते थे कि भाई हमारी भी आंख में आंसू आ जाए, हमें वो बिल तो दिखा दो। कहते ना, ये आंसू सिर्फ मेरे हैं, तुम्हारी आंख में नहीं आएंगे, बिल नहीं दिखाएंगे। भाई पंकज पुष्कर ने कहा कि अरे भाई मैं तो एमएलए हूं, मुझे तो बता दो कौन सा बिल ला रहे हैं। कहते कानून के तहत आपको सिर्फ 48 घंटे पहले देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। ये वो सरकार है जिसके मुखिया सारी दुनिया को भाषण देते थे कि कानून पारदर्शी तरीके से बनने चाहिए, सब चीजों को सार्वजनिक करो, बंद कमरे की बात को भी सार्वजनिक करो, और ये कानून का मसविदा सार्वजनिक नहीं कर रहे थे। लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। पंकज भाई ने धमकी दी, कहा मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूं, नहीं दोगे तो संविधान का उल्लंघन है ये। तब जाके ठीक 48 घंटा पहले बिल का ड्राफ्ट पेश किया, और जब ड्राफ्ट प्रशांत भूषण जी ने देखा, उनके पास भी पहुंच गया ड्राफ्ट, जब ड्राफ्ट उन्होंने देखा तो माथा ठोक लिया। फोन किया, योगेंद्र ये तो कुछ मामला ही गड़बड़ हो गया, ये तो दिन दहाड़े डकैती वाला मामला है। तो पहला इनका झूठ साबित हुआ। तो पहला झूठ क्या था कि जो रामलीला मैदान वाला बिल था, हम तो वो का वो लेके आ रहे हैं। अब अच्छी बात ये थी कि रामलीला मैदान में प्रशांत भूषण और जस्टिस संतोष हेगड़े जैसे लोग मौजूद थे, जिन्होंने बात को बातों में नहीं रहने दिया, उन्होंने दस्तावेज में लिख दिया। वो दस्तावेज आज भी हमारे पास है, उस दस्तावेज से मिलान करके देख लेना। तो पहला झूठ शनिवार के दिन उड़ गया। अगले दिन झूठ दूसरा शुरू हुआ। दूसरा झूठ क्या था कि अरे भाई प्रशांत भूषण तो बड़े झूठे आदमी है। प्रशांत भूषण कहते हैं कि मेरे को ये बिल कबूल नहीं है, मगर ये तो हूबहू वही बिल है जो अरविंद केजरीवाल 49 दिन की सरकार के दौरान लेके आए थे। सारे पत्रकार भी थोड़ा सकपक आ गए, और ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमला बोला, कहा प्रशांत भूषण 1 साल पहले तो इसको हां कर रहे थे, अब ना क्यों कर रहे हैं, जरूर राजनीतिक स्वार्थ आ गए हैं, खेल खेल रहे हैं प्रशांत भूषण। 24 घंटे में उस झूठ का भी पर्दाफाश हो गया। उस बिल की कॉपी हमारे पास नहीं थी, वो किसी भले आदमी ने लाके हमें दे दी। 24 घंटे बाद प्रशांत भूषण ने उसको भी सार्वजनिक कर दिया। ये क्या कह रहे थे कि जी कॉमा फुल स्टॉप डिट्टो वही का वही बिल है
24 घंटे बाद प्रशांत भूषण ने दिखा दिया कि सिर्फ कॉमा और फिल स्टॉप पुराने हैं, बाकी सारी चीज बदल दी है। अरे इतनी बेईमानी, इतना झूठ और इतनी बेवकूफी की पता भी नहीं कि 24 घंटे में झूठ पकड़ा जाएगा। अरे चोरी भी करो तो थोड़ी अकल से तो किया करो। तो दूसरा झूठ का पर्दा गिरा कि ये 2014 का बिल है। दोस्तों याद होगा आपको, ये वो बिल है जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ये आत्मा है, ये हमारे लिए सबसे पवित्र चीज है। और क्या डायलॉग दिया था हिंदी फिल्मों वाला, इस बिल के लिए मैं एक बार नहीं 100 बार कुर्सी को ठोकर मार सकता हूं। याद है आपको शोले फिल्म जैसा डायलॉग। तो जब पर्दा गिरा तो प्रशांत भूषण जी ने पूछा, भाई जिस बिल के लिए आप एक बार नहीं 100 बार कुर्सी को ठोकर मारने वाले थे वो आपको एक ही साल में भूल गया, क्या हुआ उस बिल का? ये जो बिल आप ला रहे हो और वो जो बिल था इसमें तो एक चीज नहीं मिलती, हर चीज आपने बदल दी है और छोटी मोटी चीज नहीं बदली। फिर प्रशांत जी ने सारे खुलासे कर दिए, बताया कि हमने रामलीला मैदान में क्या बिल बनाया था, दिल्ली सरकार ने एक साल पहले क्या बिल बनाया था और उत्तराखंड की सरकार ने हमारे आंदोलनकारियों से पूछ के, प्रशांत भूषण से पूछ के और अरविंद केजरीवाल से पूछ के जो बिल बनाया था वो भी क्या था, सारा रख दिया और दिखा दिया प्रशांत भूषण ने कि ये जिसे जनलोकपाल बिल कह रहे हैं इसमें तो एक भी वो बात नहीं है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। ये भी दिखा दिया कि ये तो उत्तराखंड सरकार ने जो बीजेपी की सरकार से हमने दबाव डलवा के बिल बना लिया था वैसा भी नहीं है। और ये दिखा दिया कि ये तो जो कांग्रेस सरकार ने जोकपाल बनाया था, जोकपाल शब्द अरविंद भाई का दिया हुआ है, ये जो कांग्रेस सरकार ने जोकपाल बनाया था ये तो उससे भी गया गुजरा है। ये पर्दा खुल गया एक एक चीज में। दोस्तों कई बार गिना चुके हैं, प्रशांत जी होते तो बहुत अच्छे से गिनाते, मैं आपको बस 4-5 चीज बता दूं क्योंकि आप सबको जाके हर एक को समझाना है। हमने रामलीला मैदान से क्या कहा था कि लोकपाल की नियुक्ति स्वतंत्र कमेटी करे, पारदर्शी तरीके से करे, उस कमेटी के अंदर नेता लोग भरे हुए ना हो। तब हमने कहा था 9 लोगों की कमेटी लोकपाल को बनाएगी और उसमें से 2 से ज्यादा नेता नहीं होने चाहिए। पिछले साल का जो बिल बना उसमें थोड़ा सा हल्का कर दिया, कहा चलो 7 लोगों की कमेटी बनाएंगे उसमें से 2 लोग नेता होंगे, मुख्यमंत्री और विपक्ष का दल का नेता। और इस बार क्या बताया है कि 4 लोग होंगे, उनमें से सिर्फ एक गैर सरकारी है, बाकी 3 नेता लोग, कर दिया सत्यानाश उसका। दूसरी बात हमने कही थी कि लोकपाल को हटाया तभी जा सकता है जब जज लोग कहें, इन एमएलए लोगों के कहने से लोकपाल को नहीं हटाया जा सकता, नहीं तो एमएलए की सेवा करेगा भाई, जो नौकरी देता है, जो हटाता है, जो ट्रांसफर करता है अफसर उसी की सेवा करता है। तो हमने कहा इन नेताओं का कोई हाथ नहीं होना चाहिए, जज करेगा। और इन्होंने क्या किया कि 2/3 मेजोरिटी दिल्ली विधानसभा की बैठ के अब लोकपाल को हटा सकेगी। अब आप सोच लीजिए कितने महान चेहरे यहां बैठे हुए अंदर, ये लोग खड़े होके, जितेंद्र तोमर खड़े होंगे कहेंगे ये तो लोकपाल बड़ा फर्जी वाला कर रहा है, जितेंद्र तोमर बोलेंगे, सोमनाथ भारतीय इसका समर्थन करेंगे, ये सब बातें होंगी, मनोज कुमार बताएंगे, आसिम खान बताएंगे, ये सब लोग मिलके बताएंगे। तीसरी बात, ये 2 बातें तो अब दुनिया को सबको पता लग गई हैं, इतनी पता लग गई हैं कि अब ये भी ढकने की कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामले सिर्फ ये 2 नहीं है। प्रशांत जी ने खुलासा करके बताया कि तीसरी चीज कि लोकपाल के पास अपनी जांच की एजेंसी होनी चाहिए। याद है आपको सारी बहस कि सीबीआई लोकपाल के नीचे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, किस लिए बहस थी, ताकि लोकपाल खुद अपनी जांच कर सके, लोकपाल के पास जांच की एजेंसी होनी चाहिए।
पिछले साल के बिल में थी, इस साल गायब, इस साल वो नहीं है। चौथी बात, लोकपाल का किसके ऊपर अधिकार होगा? पिछली बार का बिल साफ कहता था, लिखा हुआ था बिल में कि लोकपाल मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, दिल्ली सरकार के ऊपर से नीचे तक के सारे अधिकारी, जो डेपुटेशन पे केंद्र सरकार के अधिकारी दिल्ली सरकार में काम करने आए हैं उन पे भी, और डीडीए के कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और एमसीडी के कर्मचारी, सब पे लागू होगा। बहुत अच्छी बात थी, हम इसका समर्थन करते हैं। दिल्ली पुलिस पे होना चाहिए लोकपाल का कंट्रोल, डीडीए पे होना चाहिए, एमसीडी पे होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों दिल्ली की जनता की सेवा करते हैं। लोकपाल को कंट्रोल होना चाहिए इसके ऊपर, ये सारी बात लिखी थी। इस बार क्या किया है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, एमएलए का नाम नहीं है, बाकी किसी का नाम नहीं है। इसकी बजाय क्या लिखा है कि दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली की सीमाओं के अंदर जो भी भ्रष्टाचार होगा उसकी जांच लोकपाल करेगा। जिसका मतलब है कि अगर दिल्ली सरकार के किसी मंत्री को रिश्वत लेनी है तो गुड़गांव चला जाए, मेवात चला जाए, नोएडा चला जाए, वहां जाके पैसे ले। इसका यह भी मतलब है कि अगर देश का रक्षा मंत्री, देश का कृषि मंत्री कोई गड़बड़ करता है तो उसकी जांच केंद्र का लोकपाल नहीं करेगा, यहां का लोकपाल करेगा। कैसे पास हो सकता है? पहले देखा हमने, सर चकरा गया हमारा कि इसका मतलब क्या है, तब समझ आया कि नियत क्या है। नियत यह है कि इस बिल में एक ऐसा पेच लगा दो कि इसके ऊपर राष्ट्रपति दस्तखत ना कर सके। राष्ट्रपति दस्तखत नहीं करेगा तो डबल फायदा होगा, एक तो लोकपाल आएगा नहीं, जान छुट जाएगी, जितेंद्र तोमर की जांच करने वाला कोई नहीं होगा, और ये जो दो दर्जन इनके जितेंद्र तोमर अभी भी ढके हुए बैठे हैं वो भी बच जाएंगे, और ऊपर से नाटक करने का मौका मिलेगा फुल और फ्री कि हाय हाय हम तो लाना चाहते थे, देखो ये बीजेपी ने रोक दिया। अरे दुनिया को इतना पागल समझते हो? इस देश की जनता को इतना बेवकूफ समझते हो? इस देश के मीडिया को इतना बेवकूफ समझते हो आप कि पता नहीं लगेगा आपके खेल का? बहुत बार खेल हो गया भाई, बहुत बार नाटक देख लिया जनता ने, अब काट की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ेगी। लोगों को समझ आ गए हैं आपके नाटक। पिछले 7 दिन में इस देश के संविधान के एक भी ज्ञाता ने नहीं कहा है, एक बड़े वकील को, एक बड़े संविधान विशेषज्ञ को ये लोग पेश नहीं कर पाए हैं जिसने कहा हो कि हाँ भाई ऐसा बिल पास हो सकता है। तो ये सिर्फ जस्टिस संतोष हेगड़े नहीं कह रहे, और जस्टिस संतोष हेगड़े का ना आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना है, ना स्वराज अभियान से कोई लेना देना है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं इन लोगों का। वो कह रहे हैं भाई ऐसा बिल आ गया कोई देश में जहां संविधान का राज है वहां तो कोई इस पे साइन नहीं कर सकता। मैं फिर आपको साफ कर दूं, हम इसके हक में हैं कि दिल्ली पुलिस, डीडी और एमसीडी के कर्मचारियों को लोकपाल के तहत लेके आओ, लेकिन भाई अगर कोई कहे कि रक्षा मंत्री की जांच ये करेंगे, कृषि मंत्री की जांच ये करेंगे, तो भाई हमारे हरियाणा वाले आ जाएंगे, कहेंगे भाई हम भी क्यों ना जांच करें इनकी, उत्तराखंड वाले आएंगे, हम भी भाई इनकी जांच करेंगे। ये देश में कानून चलेगा कि नहीं चलेगा? ये सारा नाटक इसलिए है कि लोकपाल पास भी ना करना पड़े और सारा श्रेय भी मिल जाए। दिल्ली की सड़कों पे छाती कूट कूट के घूमे भी, हाय हम तो बनाना चाहते थे, देखो इन बीजेपी वालों ने रोक दिया। ये नाटक का दौर है गुरु, एक नाटक ये कर रहे हैं, एक नाटक शायद आज ही यहां पे भी हुआ। मेरे को लगा कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, कांग्रेस वाले छाती पीट पीट के कह रहे थे लोकपाल लाओ, मैंने कहा बाप रे अब ये दिन भी आ गया इस देश में, अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं लोकपाल लाओ, उधर बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कह रहे हैं कि लोकपाल लाना बड़ा जरूरी है, मिल गए मेरे को कहीं पे टेलीविजन पे। मैंने कहा भाई इतना जरूरी है तो हरियाणा में ले आओ ना, राजस्थान में ले आओ ना, मध्य प्रदेश में ले आओ ना, छत्तीसगढ़ में ले आओ ना, और सबसे पहले अपने मोदी जी की सरकार पे ले आओ ना। ये जो
सीबीआई में जिस तरह के लोगों को आप भर्ती कर रहे हो, सीबीसी पे जिस तरह के आदमी को आप लेके आए हो, जिस तरह से एक एक ईमानदार अफसर को प्रताड़ित कर रही है आपकी सरकार, आपका क्या मुंह है लोकपाल के बारे में बोलने का? तो दोस्तों, तीनों तरफ ड्रामा चल रहा है, एक कांग्रेस का ड्रामा, एक बीजेपी का ड्रामा, और तीसरा ये सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का ड्रामा। ये जब सारे ड्रामे साफ हो गए तो बस आखिर में एक झूठ और बचा था। वो झूठ क्या था? कि जी छोड़ो छोड़ो इन सब बातों को, अन्ना जी ने ही हाँ कर दी है, बस अब छोड़ो छोड़ो, ज्यादा बातें मत करो, अन्ना जी ने हाँ कर दिया, अन्ना जी ने हाँ कर दिया, अन्ना जी ने हाँ कर दिया। और आप जानते हैं इनका जैसा स्टाइल होता है, जैसे कांग्रेस में होता है ना, पहले सारे कांग्रेसी एक तरफ चलते हैं, फिर राहुल भैया आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कागज फाड़ देते हैं, उससे पहले सारे कांग्रेसी कह रहे होते हैं बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा बिल है, राहुल भैया ने आके कागज फाड़ दिए, सारे कहते हैं बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, यही इनका स्टाइल होता है। तो अचानक अन्ना जी, अन्ना जी, अच्छा ये वही अन्ना जी हैं जिन्होंने जब कांग्रेस के बिल को हाँ कर दी थी तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनके बारे में क्या टिप्पणी की थी, आपको ध्यान होगा। अचानक अन्ना जी याद आ गए, अचानक कहा बस बस अन्ना जी ने हाँ कर दी। कैसे हाँ कर दी भाई? क्योंकि दो लोग गए और उन्होंने कहा कि हमने सुना कि अन्ना जी ने हाँ कर दी। प्रशांत जी ने अन्ना जी को फोन किया, अन्ना जी बात सही है, आपने हाँ कर दी इस बिल के लिए? अन्ना जी ने कहा नहीं प्रशांत, मैंने तो उनको आपत्तियां गिनाई, मैंने बताया कि ये भी चीज गलत है, ये भी चीज गलत है, ये भी चीज गलत है। प्रशांत भूषण ने पूछा पर अन्ना आपको पता है तीन और चीजों के बारे में? अन्ना ने कहा नहीं, मुझे तो ठीक से सूचना नहीं दी इन चीजों के बारे में। प्रशांत जी ने कहा अन्ना आपको पूरा बताऊं? अन्ना ने कहा तुम ऐसा करो गांव आ जाओ, मेरे को आके बता दो। तो आज सुबह प्रशांत भूषण राले गांव सिद्धी गए, सुबह सुबह 5 बजे फ्लाइट पकड़ के, 3 घंटे अन्ना के साथ मुलाकात हुई, जस्टिस संतोष हेगड़े से भी अन्ना ने बात की, अन्ना ने अपने तमाम सहयोगियों से बात की, उससे पहले जितने सारे डॉक्यूमेंट थे अन्ना ने मराठी में ट्रांसलेट भी करवाए, सबसे पूछा पूरी बात क्या है, और सारी बात जानने के बाद अन्ना ने कहा, किसी और के मुंह से नहीं, प्रशांत भूषण के मुंह से नहीं, अपने मुंह से कहा, क्या कहा? कि मैं अरविंद को सलाह देता हूं कि पिछले साल 2014 में जो बिल लाए थे उस बिल को आप लेके आइए। यानी कि अन्ना को यह बिल मंजूर नहीं है, अन्ना भी वही कह रहे हैं जो जस्टिस संतोष हेगड़े कह रहे हैं, अन्ना भी वही कह रहे हैं जो शैलेश गांधी कह रहे हैं, अन्ना भी वही कह रहे हैं जो स्वराज अभियान कह रहा है, और अन्ना भी वही कह रहे हैं जो उस पूरे जन लोकपाल आंदोलन का हर सिपाही कह रहा है कि भाई एक साल पहले बिल बनाया था, हम ही ने बनाया था, इतने गाजे बाजे के साथ किया था, अब उसमें क्या गड़बड़ हो गई, उसको क्यों नहीं ला रहे हैं? अन्ना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है। अब आ गई है खबर, अब जब खबर आ गई तो अब आखिरी पर्दा भी गिर गया, झूठ का जो आखिरी पर्दा डाला था वो भी चला गया, अब सरकार के पास अपनी शर्म ढकने को कुछ नहीं बचा है। जब कुछ नहीं बचा है तो तमाम तरह के नाटक कर रहे हैं, ढकोसले कर रहे हैं और बौखला गए हैं। ढकोसला क्या है? अन्ना के कहने के 4 घंटे बाद अब कह रहे हैं, मुझे पता लगा 10 मिनट पहले, कि हमने अन्ना के सुझावों पर गौर करते हुए इसमें 2 संशोधन कर दिए हैं। अरे अन्ना का सुझाव तो 2 संशोधन का नहीं है, अन्ना का सुझाव तो एक है, इस बिल को कूड़ेदान में डालो और 2014 के बिल को वापस लाओ, एक ही संशोधन चाहिए, 2 नहीं चाहिए, बना बनाया बिल है, ले आओ, जिसकी आप दुहाई कस्में खाते थे वही ले आओ। अब कह रहे हैं कि 2 संशोधन और कल ये होगा। आप देखिए बेशर्मी की हद देखिए, अन्ना कह रहे हैं कि उन्हें बिल कबूल नहीं है और ये सारी दिल्ली में लेके घूम रहे हैं, अन्ना का लोकपाल आ गया, अन्ना का लोकपाल आ गया, ये कहते हुए झंडे बैनर लेके घूम रहे हैं दिल्ली में, बौखला गए हैं। आज सुना हमारे आदरणीय गोपाल राय जी ने विधानसभा में कहा है कि जो लोग इस जन लोकपाल के ऊपर आपत्ति उठा रहे हैं
उन लोगों का तो इस जन लोकपाल आंदोलन से संबंध ही नहीं था। मीडिया वालों ने मेरे से पूछा, मैंने कहा जी बड़े जानकार आदमी है, हो सकता है उनकी बात सही हो, उनसे जरा पूछो तो कि एक बुड्ढा था उसका नाम था अन्ना हजारे, उसका कोई संबंध था इस आंदोलन से कि नहीं था। उनसे पूछो कि एक और बुजुर्ग था जिसका नाम था शांति भूषण, उसका इस आंदोलन से कोई संबंध था कि नहीं था। एक जज था जिसका नाम था जस्टिस संतोष हेगड़े, उसका इस आंदोलन से कोई संबंध था कि नहीं था। और एक वकील था प्रशांत भूषण, उसका इस आंदोलन से संबंध था कि नहीं था। जवाब नहीं देते, शायद उनका इशारा मेरे प्रति था, कह नहीं पाए, इतना संकोच। मैंने कहा यार किसी का नाम लो, बेनाम अफसाने बहुत से हैं, कोई नाम तो लो किसी का। अगर मेरा नाम लेते तो मैं उन्हें बताता अपने मेवात के साथियों के साथ कि इन मेवात के साथियों को मेवात से उस रामलीला मैदान के आंदोलन के अंदर कौन लेके आया था। यहाँ रमजान भाई मौजूद हैं, वो बताएंगे कौन उनके साथ आया था। उस आंदोलन के अंदर दलित साथियों का एक बड़ा टोला लेके कौन आया था, और जिसे आप कह रहे हो कि आपके आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, अगर मेरे प्रति इशारा है तो भैया अगस्त में रामलीला मैदान के स्टेज से चार चार बार उस आदमी को बुलवाया क्यों था आपने, जिसका कोई लेना देना नहीं है, चार चार बार आपके मंच से बोल रहा था, क्यों बोल रहा था भाई, दुश्मनों को मंच से बुलवा रहे थे आप उस वक्त, तो बौखला गए हैं। ये तो छोटी बातें हैं, ज्यादा बौखलाहट इनकी दिल्ली विधानसभा में जो हो रहा है उसके बारे में है। हमारे साथी पंकज पुष्कर अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सदन की कार्यवाही चल रही है और उनको बांधा हुआ है, इन्होंने विप से कोड़े से बांधा हुआ है, हर चीज पे विप लगा रहे हैं। जिस पार्ट विप का मतलब अपने विधायक पे आप चिट्ठी देते हैं कि तुम्हें उपस्थित होना होगा, इस बिल के पक्ष में वोट डालना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी विधानसभा की सदस्यता खारिज हो जाएगी। 70 में से 67 MLA रखने वाली सरकार डर डर के विप इशू कर रही है कि रहो, आना होगा, बैठना होगा, वोट देना होगा। मैं सोच रहा हूं इतने डरे हुए क्यों है भाई, अगर 5-7 लोग वोट नहीं भी देंगे तब भी आपको 70 में से 60 आ जाएंगे, तो बौखला गए हैं। और क्या क्या कर रहे हैं भाई, पंकज पुष्कर को संसद सदन के अंदर धमकी दी जा रही है, मैं नाम लेके कहूंगा, ये नितिन त्यागी करके इनके एक विधायक हैं, वो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो किसी विधायक को शोभा नहीं देता। ये तो छुटभाई गुंडों वाला काम होता है, धमकियां देना, लोगों को तमाम तरह के ताने बोलना, ऊट पटांग अपशब्दों का प्रयोग करना, ये सब हो रहा है। पंकज पुष्कर ने इसके बारे में थाने में FIR लिखवाई, असेंबली में जाके स्पीकर को बोला, स्पीकर महोदय मेरे को इस आदमी नितिन त्यागी की बातों से खतरा है, ये धमका रहा है मेरे को, इस पे विशेषाधिकार प्रस्ताव, किसी भी विधानसभा के सदस्य को अगर इस तरह के हमला का सामना करना पड़े तो विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है। स्पीकर को सुनाई नहीं दिया, स्पीकर ने कहा नहीं छोड़ो छोड़ो, कोई विशेषाधिकार नहीं है। अगले दिन, कल की बात है, फिर वो नितिन त्यागी खड़े हुए कि पंकज पुष्कर ने मेरे बारे में जो बातें कही हैं इससे मुझे बड़ा सदमा पहुंचा है, मारूं इन्हें मैं, ये कहें कि योगेंद्र ने मारा और मैं कहूं कि इनकी बातों से मुझे बड़ा सदमा पहुंचा है। और स्पीकर ने कहा हाँ भाई ये तो विशेषाधिकार बनता है, तो स्पीकर ने कहा हाँ 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 ये तो बड़ा संगीन मामला है, देखो तो इस आदमी को क्या बातें सुननी पड़ी, इस किस्म के ड्रामे हो रहे हैं। कल शाम को क्या हुआ, हमारे साथी वहां गए, यहां मीडिया के लोग मौजूद हैं और मैं मीडिया के साथियों की उपस्थिति में जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप कह नहीं पाएंगे इस बात को खुद, मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं, मैं आपको दोष नहीं देता। कल इन्होंने विधानसभा के परिसर में मीडिया पे हमला किया, मीडिया को धमकाने की कोशिश की और ये सारे मीडिया वालों के सामने हुआ, इनके एजेंट, इनके मैनेजर मिलके मीडिया पे हमला कर रहे हैं, ये स्थिति आज पहुंच गई है।
और स्वराज अभियान के चार कार्यकर्ता जो कल वहां पे गए थे उनके ऊपर ऐसे बेतुके आरोप लगाए। जिस मिट्टी को वो पैकेट में किस लिए गए थे, रामलीला मैदान की मिट्टी लेके गए थे ये कहने के लिए कि भाई ये 70 में से 50 लोग तो ऐसे हैं जो पता नहीं जन आंदोलन के टाइम कहां थे। ये जो गोपाल राय कहते हैं ना कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका आंदोलन से संबंध नहीं है, मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा गोपाल राय जी, आपके जो 67 मैंने अपना तो हिसाब दे दिया, अब आप अपने जितने 67 नेता आपके विधायक है ना, ये पता कर लो उनमें से कितनों का इस आंदोलन से संबंध था।